पीजी न्यूज, मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजी न्यूज आपको जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए, जमीनी हकीकत को समझने के लिए इस समय हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि गांव में क्या चल रहा है, गांव का क्या माहौल बना हुआ है। मैं इस समय चुनावी सर्वे को करते हुए मैं निकला था इस समय मल्हनी विधानसभा में, हनुमान नगर मझौली गाँव में हम हैं। और यहाँ पे लोगों से देखने के बाद, रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ पे एक गजब का माहौल दिखा। और उस माहौल को समझने के लिए कि यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए अब मैं थोड़ा इन लोगों से बात करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इस विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो ऐलान हो चुका है। और आपको बता दें कि मल्हनी विधानसभा में कौन आ रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिसाइड हो जाएगी। लेकिन जौनपुर विधानसभा सीटों की जब बात आती है तो आपको बता दें कि जौनपुर विधानसभा में 9 सीटें हैं और 9 में आज 4 विधानसभा सीटों पे बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतार चुकी है। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब जौनपुर का खेल आता है, यहाँ तक मुख्यमंत्री की भी नज़र इस पर बनी रहती है कि जौनपुर में क्या चल रहा है। और जब जौनपुर की बात आती है तो हमेशा बड़ी दिलचस्प कहानी हो जाती है चुनाव को लेके। और अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हनुमान नगर में मझौली में क्या माहौल बना हुआ है। अब लोगों से एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। सर, क्या नाम है आपका, क्या माहौल है यहाँ गांव में? यहाँ पर लकी भैया एकदम फार्म में चल रहे हैं। लकी भैया एकदम पूरा फार्म में है, फार्म में चल रहे हैं, साइकिल एकदम दौड़ रही है। अच्छा, साइकिल एकदम पूरा दौड़ रही है, पूरा लहर बन चुका है। लहर क्या, इसमें 300+ है। अच्छा, 300+ है। तो ऐसी अखिलेश सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि आप? अखिलेश सरकार की बहुत अच्छी योजना है, बच्चों के लिए नौकरी भी वो भी देते थे, भर्तियां एक से एक निकालते थे। योगी जी यही कह रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, भर्ती निकालने कुछ कर रहे हैं। जी जी जी, बच्चे के ऊपर अभी इलाहाबाद आपने देखा, जी जी, वहाँ पर बच्चों के ऊपर कितना प्रताड़ित हुआ, कितने लोग मार खाए, कितने क्या हुए। जी जी, और योगी जी साथ छोड़ दिया सभी किसान, कितना मजबूरी से किसान अपना खेती कर रहे हैं, सब नाश हो रहा है। अच्छा, योगी जी के यही सब होता है, तो इसीलिए आप अब की बार उनको आप नहीं चुनेंगे? अब की बार बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ से लकी भैया जोर में है। हाँ हाँ हाँ, एकदम पूरा जोरों से बिल्कुल बिल्कुल 300+ में जा रही है साइकिल। अच्छा, 300+ में बिल्कुल एकदम। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार यादव। सुजीत कुमार यादव जी, मल्हनी विधानसभा से ये दावा कर रहे हैं हनुमान नगर से कि सपा अब की बार 300 सीट के पार रहेगी। सही लग रहा है कि बीजेपी गांव में भी ध्यान देगी, क्योंकि अभी तो राज्य सुधार रही है, फिर बाद में जाके विधानसभा पे और गांव पे क्षेत्रीय गांव के काम करेगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन, हमारे साथ दो भाई साहब और जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है और वो किस प्रकार बताते हैं कि यहाँ पे सपा की लहर है कि बसपा की लहर है कि बीजेपी की लहर है, किसकी लहर है हम जानते हैं। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? तो सर, यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है चुनाव को लेके? यहाँ का माहौल पूरे यूपी का माहौल, यहाँ का माहौल, मल्हनी विधानसभा का केवल माहौल आप बताइए सर। यहाँ का माहौल जातिगत आधार पे है। जी 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 जी, तो जातिगत आधार पे क्या आंकड़े बता रहे हैं, किसकी सरकार यहाँ पे बनेगी? किसकी सरकार यहाँ? बीजेपी टिकटें किसी को नहीं दे रही है, तो किसकी सरकार यहाँ का अगर पूछ रहे हैं आप, तो यहाँ बीजेपी टिकटें नहीं दे रही है। जी 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 जी, जैसा कि पता है आज जौनपुर विधानसभा में, आज जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पे 4 सीटें क्लियर हुई, कल क्लियर कर दिए थे और अब मल्हनी विधानसभा का ही बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर बीजेपी को टिकट मिलता है जी तो भाई प्रयास किया जाएगा। जी जी, लेकिन हमें ये लग रहा है कि बीजेपी को समर्थन ही मिलेगा। जी जी जी, जी समर्थित पार्टी। जी जी जी, तो समर्थित से तो हम लोग उग चुके हैं। आइए, हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हुए, हम इनसे कुछ जानते हैं खास बातें कि यहाँ पे क्या माहौल है। सर बताइए, क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह नाम है मेरा। किस गांव में आपका घर है? रावतपुर गांव है। अच्छा, रावतपुर गांव, तो क्या माहौल है सर रावतपुर का? रावतपुर का माहौल अगर बात करें यहाँ मल्हनी की माहौल की, तो ये तो सपा का गढ़ है, ये मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक जो नेता है धनंजय सिंह करके, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पे हर दिलों पे राज करने वाले हैं धनंजय सिंह,
जो कि बहुत सारे पहले भी काम कर चुके हैं, इसके पहले भी और भी काम करते हैं, और यहाँ पे अगर चुनावी माहौल की बात करें तो हर बार निर्दलीय पार्टी से लड़ते हैं, फिर भी वो 60 प्लस ही वोट जाते हैं, मतलब 60-65 ऐसे ही वोट जाते हैं, मतलब 2-4 हज़ार वोटों से ही हारते हैं। अगर उन्हें किसी पार्टी का सपोर्ट मिले, वो चाहे जो भी पार्टी हो, तो वो जीतना तय है। और अच्छे नेता हैं, अच्छे काम करते हैं, और युवा भी हैं, अगर ये एक तरीके से बात करें तो युवाओं पर ध्यान भी देते हैं, और गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं इस मल्हनी विधानसभा में। तो क्या जब चुनाव, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, तो वैसे वैसे सारे नेता जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे उतर के आके हाल चाल लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव बीत जाता है फिर सारे नेता कहाँ चले जाते हैं, विधान भवन में चले जाते हैं। आइए सर, आइए। जितने भी नेता हैं, चाहे वो लप्पी यादव हों, चाहे धनंजय सिंह जी, दोनों नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जी सर, अपने बिरादरी के अलावा कहीं जाते नहीं। और चुनाव आता है तो आप कहीं भी फोन कर देंगे, दौड़ के जाते हैं। अगर मेरी आवाज और वही मैं जी सर, मैं वही ताहिरपुर का रहने वाला हूँ, धनंजय सिंह के 4-5 किलोमीटर दूर जी जी जी, लेकिन अपनी बिरादरी छोड़ के दूसरी बिरादरी में जल्दी जाते नहीं, वोट लेना होता है तो सिर्फ आते हैं। तो जौनपुर के लिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जातिवाद का मैं खंडन करता हूँ जी जी जी। वैसे अगर देखा जाए चुनाव में तो जातिगत नहीं होना चाहिए, लेकिन यूपी के जो राजनीति होती है वो हमेशा जातिगत पे ही डिपेंड हो जाती है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि जितने भी नेता यहाँ पे विधायक बन जाते हैं केवल अपने जात बिरादरी के यहाँ जाते हैं, तो ये सरेसर गलत है। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पे हर नागरिक स्वतंत्र है, और हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपने विचारों को किसी के सामने रख सकता है। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अगर बात करें यहाँ पे तो बीजेपी का जो माहौल है, बीजेपी यहाँ आए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बस इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि वो धार्मिक मुद्दे पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल के यही माहौल, अगर धार्मिक मुद्दे पे नहीं काम करते हैं तो जैसा कि हमारे मोमेडियन, हम किसी की ये तो नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ जिसकी जनसंख्या, जिसकी बाहुबल संख्या ज़्यादा होती है, उसी की हमेशा से ये सरकार बनती है। आगे चल के अगर हमें फिर से गुलाम बनना है तो वापस से अन्य सरकारों की यहाँ पे सरकार बनाए, नहीं तो एक बार फिर से मोदी सरकार को ही लाए। तो आप बीजेपी के अंदर ऐसा क्या देखते हैं जो कि मल्हनी विधानसभा में फिर से बीजेपी को लाना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो मल्हनी में तो बीजेपी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर बीजेपी को लाना है तो वापस से धनंजय जी को टिकट देना पड़ेगा, और वही यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं यही मानता हूँ, नहीं तो फिर सपा ही यहाँ पे भी नहीं। योगी जी की आप ऐसी दो योजनाओं के बारे में बताइए जो जन जन तक पहुँची है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि योगी जी, जैसे अभी सड़क की बात हो रही है कि यहाँ कई सालों से सड़कें बहुत टूटी फूटी है, ये बात सही है, लेकिन हमारा मानना है कि सबसे पहले राज्य की सड़कों पे ध्यान देना चाहिए, जो सरकार ने अभी तक पूरा किया है। अगर इस बार सरकार जीतती है तो मुझे लग रहा है कि जो क्षेत्रीय रोड है वो भी सुधरेंगे। रही बात, मैं सरकार से बस इतना ही चाहता हूँ कि दो ही चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, एक तो बीमारी, दूसरा शिक्षा। ये दोनों चीज़ अगर, जैसे कि बहुत फ्री की बातें आज लोग कर रहे हैं कि हर सरकार देख रहे हैं कि यहाँ से बोलती है कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, स्कूटी दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मैं सारी चीज़ें मिथ्या मानता हूँ, झूठ है, गलत है, ये बस लालच है। और मैं युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा कि इस लालच में आकर अपंग ना बने, अपने मेहनत, खुद पर मेहनत करें। और दूसरी बात, शिक्षा को अगर करना ही है कुछ तो सरकार से बस इतनी अपील करना चाहूँगा, चाहे जिसकी सरकार बने, वो एक तो शिक्षा फ्री कर दे, दूसरा स्वास्थ्य लोगों का फ्री कर दे, कि हॉस्पिटल में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक हिसाब से लोगों का जांच होना चाहिए, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शिक्षा भी एक हिसाब से ही देना चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों को सुधार देते हैं तो मैं किसी भी की सरकार बनाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो फिर सपा हो चाहे बीजेपी हो। गुड, एक बार सर आप फिर से अपना नाम बताइए और गांव। मेरा नाम प्रवीण सिंह, मैं रावतपुर से हूँ, जिसको रावतापुर से लोग बुलाते हैं। तो ये देखिए, गांव की समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं मैं आपको जमीनी हकीकत पीजी न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि क्या चल रहा है गांव में और लोगों की समस्याएं क्या हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन जैसे चुनाव क्लियर होता है, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री सब लोग बन जाते हैं, उसके बाद कौन क्या कर रहा है सारी योजनाएं पता नहीं चलती हैं। लेकिन अगर आपको गांव का विकास करना है, शहरों का विकास तो हो जाता है, लेकिन जब गांव के विकास की बात आती है तो गांव पे हमेशा लोग पीछे रह जाते हैं। तो इन गांव का विकास करने के लिए सरकारें हमारी बात को ध्यान दें, और मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सब लोग जितने सपा आएगी, बसपा आएगी, बीजेपी आएगी। क्या नाम है सर आपका? जिलेदार पांडे, मेरा मकान हीरापुर में है। अच्छा, हीरापुर। और सब लोग कहते हैं जो बिजली माफ हो गई है, गरीब कहाँ पाएंगे जी। और उसके बाद गल्ला जो आएगा कोटा पे लेंगे तो बेचेंगे जी जी। हाँ, तो गरीब कहाँ से पाएगी, यही कहना है जी। और रोड जो है कच्चा है, जो है आने जाने का रास्ता परेशान है ना। और सब जो समस्त परेशान है, जो छूटते हैं सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? राम आश्रय मास्टर, बक्सा अड्डी नंबर 8। जी 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 जी। रात दिन पहरा देना पड़ता है ललते साढ़े बछवा से। बछवा हम लोग गरीब वर्ग के हैं, पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, मरहे में टाटी उजार उजार के बछवा हल जा रहे हैं, पार से उस पार गायों को मार दे रहे हैं, महिलाओं को मार दे रहे हैं। यह परेशानी है इस सरकार। तो सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ये साढ़ बछड़े की बात आप कर रहे हैं, इसको छोड़ा कौन है? इसको छोड़ा है किसान, ठीक आपने कहा, लेकिन छोड़वाया कौन है, किस बिना पर छोड़ा गया, इस चीज को मुझे आप बताइए। अगर उसकी कीमत बनती होती, 100, 200, 500, 1000 में बिकता होता, तो वो चीज बिकती जाती, पहले बिका करती थी। अब तक की सरकारों में एक गोवंश की गो रक्षा की जा रही, गौ माताओं को और प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे ठंड में शिशु शिशु करके परेशानी हो रही है सबको, और पूरे किसानों को फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं, और इसको आप बता रहे हैं गोरक्षा कर रहे हैं, कहाँ की गोरक्षा नियम है? अच्छा, गोरक्षा हुआ 17 से जितने बछड़े जितने साल छूटे थे वो कहाँ चले गए, किस जगह पर गए, इसका जवाब दीजिए आप। प्रत्यक्ष रूप से कहाँ है वो सारा बछवा, किस गौशाला में 100, 150 है, किसी गौशाला में 200, 500 बछवा, यहाँ के इलाके में बछवा है? तो सर राज्य भारी बात सुन लीजिए, इस सरकार से सारे जुमले में सारी जनता परेशान है। यूरिया डाई नहीं मिल पाई, यूरिया डाई जिले मारे भाई साहब, डुप्लीकेट डाई बेची गई, बोई गई है, धान गेहूं बस नहीं रहा, गेहूं बढ़ नहीं रहा, बारिश में सारा पानी चाहिए। तो सुनिए, धान की तौलाई नहीं हुई, 10 क्विंटल की धान बेचने वाले थे, डाई यूरिया के इंतजाम करते, वो बड़े लोग जाकर बहुत दबंगई करके अपना तौल कराए, हम लोग पौने दाम में 12 से 11.5 से मजबूरी में भेज देना पड़ा। बंधु कलेजा करता है इस सरकार से, इनकी व्यवस्थाओं से। ये सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप बात जानते हैं, सड़कों का निर्माण से पेट नहीं भरेगा, सड़क पर हम चल के क्या करेंगे, पहले पेट भरिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था दीजिए। पैदल तो यहाँ गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गढ़ा गुढ़ा डोल रही है, साइकिल चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है, पेट्रोल कहाँ से कितना महंगा हो गया, इसको आप लोगों ने नहीं कभी दिखाते हैं। मीडिया के बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार एकदम विफल है। दलितों और पिछड़ों का हक खाने वाली सबसे माने इतनी गलत सरकार है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनके पर 27% में भी बांध दिए, 27% को माने बड़े एकदम गायब कर दिए, यही 69,000 भर्ती, 72,000 कुछ में 23,000 दलित और पिछड़ों का हक मार दिया गया। और उसको मोदी योगी जी जब घेराव किए, बच्चे लाठी खाए, सब कुछ हुआ, कहीं 6,000 भर्ती करेंगे। सर किसकी सरकार आप चाहते हैं, आपकी बार किसकी सरकार? सरकार चाहते हैं कि सही आदमी की सरकार, जो सबका हक सबका माने सम्मान बराबर दर्जे का करे, हिंदू मुस्लिम चाहे जो कुछ हो, सिख ईसाई भाई चाहे जो हो, सभी भाई हैं। यहाँ बनकर बात करने का, हिंदूवाद मुसलमान बात करने की क्या जरूरत है? हमारा भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष देश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय क्या उनकी सोच रही हो, क्या वो बेवकूफ रहे होंगे कि 16 साल यहाँ के प्रधानमंत्री बन के रहे, तब क्यों नहीं लोगों ने मुसलमान बात किया, हिंदू बात किया? वो आज के 70 साल बाद ये नौजवान जो हैं इस गलत सरकार को ले आकर के इस गलत सरकार की मुहिम में अपने को खुद परेशान हो गए हैं। अब किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है, मेन बात तो साल बछुआ गाय से भाई सर मेरे बात छुपा दीजिएगा। चाचा पेट पालने की बात करें तो मैं फिर से यही बात कहूँगा
कि देखिए अपने दम पे रोटी कपड़ा मकान तैयार करिए, किसी सरकार पे नहीं जाइए। और दूसरी बात रही इकोनॉमिक सर्वे की, तो मैं मोबाइल में मेरे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई नमक हम लोग जो सन 2000 में खरीद के 2 रुपए किलो खाए थे और 2020 में 18 रुपए किलो हो गई, वही 2025 में 50 रुपए किलो नमक जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो इकोनॉमिक सर्वे पे अपने दम पे तैयार करिए और अपने दम पे लोग कमाइए, अपने दम पे रोटी मकान तैयार करिए, किसी सरकार के भरोसे पे नहीं। सरकार से बस हम दो ही अपील करते हैं कि वो शिक्षा पे काम करे और दूसरी बात अपने अस्पतालों पे काम करे, ताकि लोगों को फ्री आपका से इलाज हो सके, जो गरीब मर रहे हैं पैसे के कारण से ना मरे। तो सरकार तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं पीजी न्यूज के माध्यम से कि आप शिक्षा और हॉस्पिटल रोजगार पर खर्चा करिए और आने वाले समय पे देश का विकास करिए। आप देख रहे थे पीजी न्यूज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।